अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से या कहीं और से अमेरिका आते हैं, तो वो एक दो सवाल उनके होते हैं कि यार ऊबर या लिफ्ट चलाएं। तो मैंने रमज़ान में जॉब तो की नहीं, तो मैंने ये एक लिफ्ट का ज़रा एक्सपीरियंस लिया, तो मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक तो ये कि लिफ्ट या ऊबर चलाने के लिए आपके पास US ग्रीन कार्ड वगैरह ज़रूरी है, ID होनी चाहिए, लीगली आप यहाँ के काम कर सकते हो। और ऊबर के लिए ये है कि आपको जो है वो गाड़ी अगर आपके पास नहीं है तो ऊबर वाले गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं आपको, बट लेकिन लिफ्ट में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने रमज़ान में ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था कि आप लोगों को एक आइडिया दे दिया जाए कि भाई ये कितना इस पर अर्निंग है। तो लिफ्ट मैंने चलाई, ऊबर नहीं चलाई। तो और उसमें ये कि मैं जहर की नमाज के बाद जो है वो 2 बजे के बाद भी नहीं, 3 घंटे के लिए मैं लिफ्ट मैंने चलाई और तकरीबन $50 से $60 पर डे का मारे गया। तो यानी अगर आपको लिफ्ट चलानी है तो इसमें दो टाइम अच्छे हैं, ऊबर या लिफ्ट। एक तो ये कि आप सुबह फजर पे चलाएं और तकरीबन 8:30-9 बजे तक आप आराम से अच्छे आपके पैसे बन जाएंगे। फिर उसके बाद स्लो बिजनेस हो जाता है, फिर ये बिजनेस पिक करता है तकरीबन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि लोग स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, फिर उसके बाद ऑफिस के लोग अपने अपने घरों को जाते शुरू होते हैं। तो ये टाइम है, तो यानी अगर आप $50 पर डे के भी लगाएं तो आपने $1,500-$1,200 बना लिए, लेकिन अगर आप सुबह भी चलाएं और शाम में भी चलाएं तो आप $100 आराम से, यानी महीने के आप $3,000 आराम से बना सकते हैं। अब लोगों ने ऊबर से घर भी बना लिए भाई, वो फिर 12-12 घंटे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अब ये अब आपकी ऊपर है कि आप कितना काम करना चाहते हैं। तो और मैं समझता हूँ कि ऊबर लिफ्ट ठीक है, और बस ये है कि आपको टाइमिंग ज़रा देखनी पड़ती है। और तो बस ये एक आइडिया था, ताकि ये मैंने एक एक्सपीरियंस किया तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका जो है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्या कोई बॉस नहीं है, जब आपकी मर्जी आई आपने गाड़ी चलाई, जब आपकी मर्जी आई आपने बंद कर दिया, और आपके ऊपर है कि आपको कितनी नीड है उसके हिसाब से आप उतनी गाड़ी चला रहे। तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू देना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।